कभी कभी हमें वो चीजें क्यों नहीं मिलती जिसकी हम बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखते हैं, कभी सोचा है आपने? हाय, मेरा नाम जिया है और आज ख्यालों वाली खिड़की में कुछ ऐसी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में बात करने का मन है। हम आजकल फेस्टिवल के सीजन में हैं, घर पे गणपति बापा पधारे हैं, बहुत सारी इच्छाएं, ख्वाहिशें, आरजू लेके हम पापा को प्रार्थना करते हैं, उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं और ये भी सोचते हैं कि इस बार अगर आए हो बापा तो मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। हम ये सोच के बापा की आराधना करते हैं। लेकिन जब भी कोई भी ख्वाहिश आपकी, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं होती तो बहुत सारे सवाल मन में भी उठते हैं ना। ये वो सवाल हैं जो हम किसी और से नहीं पूछते पर कभी कभी भगवान को पूछते हैं, कभी कभी खुद के ऊपर डाउट आता है और ये सेल्फ डाउट हमें, हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है और हमें ऐसे लगता है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। ख्वाहिशें अलग अलग टाइप की होती है। हम किसी को पाना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं, कोई बड़ा सा सपना हासिल करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जिसे हम जिंदगी में ढूंढ रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। और वो ऐसी ऐसी चीजें जिंदगी के अलग अलग सफर में हम उसे ढूंढते रहते हैं और हमें लगता है कि हमें जो चाहिए बस ये बेस्ट है हमारे लिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही रिश्ता चाहिए, मुझे यही जिंदगी में जो आप ढूंढ रहे हो मुझे वही चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा है कि ये बेस्ट है, इससे आगे बेस्ट तो मिलने वाला ही नहीं है, तो अभी ये जो मिल रहा है मुझे ये बेस्ट है, ये मुझे चाहिए। और हमारी जो सोच है इस चीज को लेकर सीमित हो जाती है, हमारी सोच कभी बियॉन्ड इस चीज से जाती नहीं है कि हमें इससे ज्यादा भी कुछ मिल सकता है। अगर कोई इच्छा अधूरी रह गई, अगर कोई सपना अधूरा रह गया तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि बस अब इससे ज्यादा अच्छा आगे, इससे और बेहतर हमें नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा मायूसी हम वहीं कर लेते हैं जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो हमारी सोच को सीमित कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं कि बस इससे अच्छा मुझे मिलेगा नहीं और अगर ये नहीं मिला तो मेरे पास कुछ अच्छा आएगा नहीं। शायद इसीलिए जो नहीं मिलता उसे ढूंढने की आदत पड़ जाती है, फिर वे आदत जो है मायूसी में तब्दील हो जाती है और फिर वो मायूसी शिकायतों में तब्दील हो जाती है और फिर हम भगवान से यही शिकायत करते हैं कि तुमने मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। पर सबसे बड़ी चैलेंज यही है जीने में, भले तुम्हारे हिसाब से तुम्हें चीजें ना मिली हो, तुम्हारे टाइमलाइन पे ना मिली हो, तुम जिंदगी के ऊपर भरोसा मत खोना। पर सच कहूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, आपको जब चाहिए तब नहीं मिलती, तो ठीक है, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट इट एक्चुअली, पर ये आपको समय सिखा देता है। समय आपको यही सिखा देता है कि अभी तुम्हारी बारी नहीं है, अभी तुम्हारा वक्त आया नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट इट। जिंदगी हमेशा मौके देती है, बेस्ट देती है, पर शायद जब मौका आता है या हमारा समय ऐसा होता है या फिर हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, हमें कभी कभी दिखाई नहीं देते हमारे मौके। पर मेरी दादी हमेशा मुझे एक बात कहती थी कि जब आपकी कोई बहुत बड़ी सी इच्छा या ख्वाहिश आप खो देते हो या अधूरी रह जाती है तो ऊपर वाला वो ख्वाहिश, वो इच्छा किसी और रूप में आपके पास जरूर भेज देता है। सही वक्त, सही मौका या सही सिचुएशन इंसान के दिमाग का भ्रम ही है, पर इस भ्रम से बड़ा ऊपर वाले का समय है, ऊपर वाले का वक्त है और वो है गॉड्स टाइम। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। तो अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, आपको ऐसा लगता है कि सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मेरी इच्छा पता नहीं कब पूरी होगी, तो आपका वक्त ऊपर वाले ने ऑलरेडी डिसाइड करके आपके खाते में लिख लिया है। जब आपका वक्त आएगा तब आपने जो चीज खोई है, जो आपके हिसाब से नहीं हुई है, जब ऊपर वाला देगा वो वक्त भी सही कर देगा, वो मौका भी सही कर देगा और आपकी शिकायतें भी। सो इंतजार करें। वैसे आपकी ऐसी कोई इच्छा है जो अधूरी रह गई हो या अगर पूरी भी हो गई हो जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसे लगते हैं आपको ख्यालों वाली खिड़की के वीडियोस? ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको अलग अलग टॉपिक के लिए मिल जाएंगे देखने के लिए। आप जाइए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं वहां पे भी आपको मिल जाएंगे radiocity_gujarati और रेडियो सिटी इंडिया। मेरा नाम जिया है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्यालों वाली खिड़की। हैप्पी फेस्टिविटी।